हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं अभी धूप में बैठी थी लॉबी में, और अभी जस्ट अंदर आई हूँ। और एक वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दी है आईलाइनर वाली, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा, लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना पड़ता है, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा या फिर मैसेज आएगा, राइट? तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया उन लोगों को, पता चल गया होगा कि अभी अभी जस्ट आधा घंटा हुआ है और मैंने अभी वीडियो अपलोड की है आईलाइनर वाली, मतलब डेली वे के लिए आप आईलाइनर किस तरीके की लगा सकते हो। और यह देख सकते हो मैंने बाल खुले रखे हैं, ये देखिए। अभी मैंने शैम्पू किया था बालों में, मतलब अभी नहीं, सुबह किया था 11-12 बजे, मतलब ना सुबह ना दोपहर, एग्जैक्ट 12 बजे। और बाल अभी सूखे नहीं है क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत देर में सूखते हैं। यहाँ इस साइड नीचे तो सूख गए, लेकिन यहाँ जो होता है ना, ये जो एरिया होता है ना, यहाँ यहाँ गले के अंदर का ये नहीं सूखता है, तो इसलिए मैंने खुले रखे हैं कि थोड़े सूख जाएं। और मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन हो गए आईब्रो मैंने नहीं बनवाई, तो फाइनली मैंने ये आईब्रो बनवा ली है, तो बहुत अच्छा लगता है ना चेहरा, मतलब खिल उठता है जब आईब्रो बनवाते हैं, तो मतलब एकदम फिनिशिंग चेहरा में, जो फेस पे फिनिशिंग आनी चाहिए वो आ जाती है। आप कुछ भी नहीं लगाओ ना, मैंने अभी चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ सिंदूर बिंदी और ये थोड़ी सी लिप बाम लगाई है। काजल मैंने सुबह लगाया था, तो आपको लग रहा होगा एक आंख में कम है और एक आंख में ज्यादा है, मतलब इसमें से निकल गया, इसमें से अभी निकला नहीं है, तो ऐसा है। और आज मौसम पता नहीं कैसा हो रहा, मतलब बादल से हो रहे, बादल होते ना जैसे पानी वाला मौसम हो, वैसा कुछ मौसम हो रहा है। धूप भी इतनी नहीं निकल रही है क्योंकि अब सही टाइम आया है विंटर का। अब आपको लगेगा कि हाँ सच में विंटर आ गई है, अब कड़कड़ाने वाली ठंड मतलब पड़ने वाली है। तो जब थोड़ी बहुत ठंड हो ना तो हम लोग सहन कर सकते, लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना तो वो सहन नहीं होती है, सच में बिल्कुल सहन नहीं होती है। और श्रेय श्रेय बाबू अभी सोए नहीं है, वो नीचे है नाना के साथ खेल रहे हैं, और बस दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं नीचे, और मैं ही अकेली ऊपर हूँ। अमीषा है वो सो गई है, तो मैं ही अभी अकेली बैठी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात की जाए। ओके, तो अभी टाइम तो कर रहा, मतलब टाइम तो हो गया है, अब सो नहीं पाओगे, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे आलस सा लग रहा है और ये लग रहा है बस थोड़ा सो जाऊं। और अभी श्रेय नीचे है नाना के साथ खेल रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ 1-आध घंटे सो लेते हैं, अभी वो बिजी भी है, परेशान भी नहीं करेगा। पता है मैंने उसको बहुत कोशिश की सुलाने की, बट वो सोया ही नहीं, उसने एक ही रट लगाई है, बस मम्मा मुझको नीचे जाना है, नीचे जाना है। हमने कहा ठीक है चले जाओ, मैं तो जब तक सो लेती हूँ। ओके, अगर आप भी नहीं सोई हो तो आप भी सो जाइए, फिर मिलते हैं शाम को। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग, और अभी टाइम हुआ है 4 बजे, 4:30 का टाइम है, और हवा काफी चल रही है, वो ठंडी भी लग रही है क्योंकि अभी सूख के उठी हूँ, तो मतलब ऐसा लगता है ना ठंडी ठंडी हवा। और बस कुछ नहीं, थोड़ी अभी घूम लूँ। और श्रेय देखो, श्रेय अभी भी आया नहीं है, और कपड़े हमारे सारे अभी डले हैं छत पे, तो ये कपड़े उठाऊंगी, कपड़े रखूंगी, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। और श्रेय गया है नीचे, जबकि वो ऊपर आया नहीं है, तो मैंने अच्छे से सो भी लिया है, और बहुत काफी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, अच्छा भी लग रहा है और ठंड भी लग रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके मैं पहनती हूँ स्वेटर, और उसके बाद कपड़ों की घड़ी करनी है, तो ये कपड़े वगैरह उठा के और रखती हूँ।
क्या है और मैं सब थोड़ी सी रेडी हो जाऊं। और हाँ, श्रेय भी नीचे चिल्ला रहा है, वो अब आया है, अब उसको मम्मा की याद आई है जब का वो नीचे ही है। चलो अब उसको भी रेडी करूं और मैं भी हो जाऊं और उसको अच्छे से कपड़े वपड़े पहना दूं, मुझे भी ठंड लग रही है। कपड़े मैंने रख दिए सारे, मैंने और अमीषा ने, और अब बस रेडी हो जाऊं और थोड़ा सा उसको भी तैयार कर दूं, और उसको भूख लग गई होगी तो उसको दूध वगैरह पिला दूं। फिर वो बोला था गार्डन में जाने के लिए, क्योंकि बच्चों को अक्सर गार्डन में जाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तैयार हो जाए फिर चल। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर, जैसे कि हम सभी लोग लगाते हैं, और ये है गुड वाइब्स का एसेंशियल ऑयल। इसको मैं मॉइस्चराइजर में दो बूंद मिला के और मिक्स करके फिर लगा रही हूँ। ये विंटर में काफी इफेक्टिबल है और मैं इसको कई तरीके से यूज करती हूँ इस एसेंशियल ऑयल को। अगर आपको इसके यूज जानने हैं और इसका रिजल्ट जानना है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसका अलग से वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और ये मेरा डेली वेयर लुक है। डेली वेयर में मैं इसी तरीके से प्रिपेयर होती हूँ, नो आईलाइनर, नो मेकअप, कुछ भी ज्यादा मेकअप नहीं है। और आप देख सकते हो कितना ही अच्छा चेहरा लग रहा है, और मैंने कुछ भी ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं, यकीन मानिए। और नो कंसीलर, नो एनी थिंग, बस दो तीन चार प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं और बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आपको ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, मीन्स कि अगर आपको ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल देखना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके आपके कमेंट पढ़ के फिर मैं वीडियो अपलोड जरूर करूंगी। लेकिन उसके पहले आपको कमेंट करनी होगी, उसी के बाद तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, तो इतना फर्ज आपका है कि आप प्लीज कमेंट कीजिए, और मेरा फर्ज है कि मैं आपको वीडियो अपलोड करके और सारा मेकअप ट्यूटोरियल बताऊं। ओके, सिंदूर कितना अच्छा लगता है ना, मतलब इसके बगैर ना हम लड़कियों की, मतलब जो मेकअप है, मतलब मैरिड गर्ल बोल रही हूँ मैं, तो मतलब कितना अधूरा दिखे, देखिए मतलब वैसा चेहरा लगता है ना, खाली खाली, और सिर्फ ये हो जाए ना तो चेहरा एकदम खिल उठता है। ओके, और ये जो मैंने बैंगल्स है, तो आज मैंने बैंगल्स डाल ली है तीन तीन, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था बैंगल्स पहनने का। कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं की है, बस सिर्फ बीच में रेड है और ग्रीन है अगल बगल, तो अच्छा लगता है ऐसा। वैसे मैंने कड़े डाले थे लेकिन मैंने कड़े निकाल दिए और ये बैंगल्स पहन दिए है। ओके, और पता है श्री अभी भी नहीं आया, अब मैं उसको बुला रही हूँ, तब फिर वो आएगा, उसके बाद मैं उसको रेडी करूंगी। तो और बिंदी मैंने पता है कौन सी लगाई है, बैंगनी कलर की, मतलब वायलेट कलर की बिंदी लगाई है। और बस मैं उसको बुलाऊंगी, उसको तैयार करूंगी, तभी वो आएगा और तब मैं उसको ले जा पाऊंगी गार्डन में। और पता है यहाँ जहां भी मैं बैठी हूँ ना, हल्की सी धूप आ रही है। यहाँ मैं आपको दिखाऊं हाथ करके, देखिए मेरा हाथ, यहाँ धूप आ रही है तो अच्छा लगता है। विंटर में जब हल्की हल्की धूप आए तो मतलब हल्की हल्की गर्माहट कमरे में आनी चाहिए। तो इसी तरीके से कमरे आप भी खोल सकते हो, ऐसा नहीं है बंद कमरे रखे विंटर में, थोड़े बहुत खिड़कियां या दरवाजा खुले रहने चाहिए ताकि लाइटिंग और एयर मतलब कमरे में आए, अच्छा लगता है थोड़ा, है ना। बंद बंद फिर
सफोकेशन सा होता है मुझे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बंद कमरा। ओके तो चलो वो नीचे खेल रहा है, उसको बुलाओ और उसको प्रिपेयर कर। तो मैंने अभी स्वेटर पहन ली है ये देखिए, और ये स्वेटर मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये पता है स्वेटर कब की है? 6 नहीं 5 साल हो गए, शादी के पहले की स्वेटर है। और पता नहीं मतलब मैं अभी नीचे जा रही थी और एकदम से इनका कॉल आ गया, तो मैं इनसे बात करने लगी। और फिर पता नहीं मुझे क्यों आज मतलब अजीब सा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। बस ये लग रहा है कि पूछ रहे थे कि वो कब तक आओगी तुम, तो मैंने कहा 1 जनवरी का हमारा एक्चुअली रिजर्वेशन था, लेकिन अब हम लोग 4 व्हीलर से जाने वाले हैं, गाड़ी जो हमने न्यू ली थी तो उसी से हम लोग यूपी जाने वाले हैं, तो वो जो हमारा रिजर्वेशन था वो होगा कैंसिल और हम लोग जाएंगे 4 व्हीलर से। वैसे 4 व्हीलर से जाने वाले हैं तो भैया बोल रहे थे कि जल्दी ही जाएंगे, क्योंकि भैया मैं और पापा, तो श्रेय नीचे बुला रहा है, तो चलो चलते हैं फटाफट से, नहीं तो वो और मतलब चिल्लाएगा है ना, तो चलते ही नीचे और खिलाते। श्रेया मेरा वेट कर रहे थे। हाँ क्या कैसे बोल रहे थे? मम्मा तो हम लोग गार्डन से आ गए हैं और श्रेय जो है वो सो गया है, क्योंकि पता है दोपहर को नहीं सोया था, दोपहर को नहीं सोया था इसलिए। और मैं और अमीशा हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो अभी उसको मैं ढक के आई हूँ और मम्मी बोल रही थी तुम चली जाओ मैं देखूंगी उसको, तो उसको मैं सुला के आई हूँ जब तक मैं बाहर घुमाती हूँ। उसने दूध पी लिया था, ऐसा नहीं कि वो भूखा ही सोया है। और अब हम दोनों जा रहे हैं बाहर। Hey!
घर पे, और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का, तो अभी इवनिंग का टाइम है, 8 बजे है, और हम लोगों ने खूब घूमा, खूब एंजॉय किया, और हम आइसक्रीम की शॉप पर भी गए थे, वहां से आइसक्रीम लाए हैं, लेकिन अभी श्रेय जाग गया है, श्रेय के सामने खाएंगे तो वो भी खाएगा और उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, इसलिए वो उसका मूड अभी थोड़ा अच्छा हो जाए, मैं उसको थोड़ा देख लूँ। अभी सो के उठा है, जो ही मैं घर में एंटर हुई वैसे ही वो तुरंत जागा उठ गया, अब मैं उसको थोड़ा सा देख। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ओके। और जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय।